राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपको, वैसे तो बरसाने की बहुत सारी मैंने आपको कथाएं सुनाई हैं, वृंदावन की बहुत सारी कथाएं सुनाई हैं, लेकिन आज मैं आपको बरसाने की एक सत्य घटना बताने जा रही हूँ। बरसाने में एक बाबा हुआ करते थे, अभी गोलोक धाम से धार गए, लेकिन बरसाने में एक बाबा हुआ करते थे। उनका एक नित्य नियम था, वो यमुना जी में स्नान करते थे और यमुना जी में स्नान करने के तत्पश्चात वो राधा रानी के मंदिर में जाते थे और उनकी मंदिर की परिक्रमा करने के बाद राधा रानी के दर्शन करते थे। ये उनका नित्य का नियम हुआ करता था। जब तक वो राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे, वो पानी तक नहीं पीते थे। एक दिन वो सुबह सुबह उठते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं, राधा रानी के मंदिर में जाते हैं, राधा रानी के दर्शन करते हैं और परिक्रमा कर रहे होते हैं मंदिर की, तो उनके मन में एक विचार आता है कि मेरी लाडली के लिए बरसाने में राधा रानी को लाडली कह के संबोधित किया जाता है, तो मेरी लाडली के लिए कोई चुन्नी लेके आता है, कोई साड़ी लेके आता है, कोई लहंगा चुन्नी लेके आता है, कोई चूड़ी लेके आता है, कोई बिंदी लेके आता है, कोई मावल लेके आता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसे लेके आते हैं, लेकिन आज तक मैंने अपनी लाडली को कुछ नहीं दिया। अरे, ये सोचते सोचते उनका मन व्याकुल हो जाता है। वो सोचते हैं कि आखिर आज तक मैंने अपनी लाडली को क्यों नहीं दिया कुछ। मेरी परिक्रमा करते करते, दर्शन करते करते, यमुना जी का स्नान करते करते 80 वर्ष की उम्र हो गई है, लेकिन आज तक मैंने अपनी लाडली को कुछ नहीं दिया। ये भाव उनके मन में आ जाता है। वो कहते हैं अपने घर, अपनी ये सोचते सोचते वो अपनी कुटिया पे चले जाते हैं और सोचते हैं कि मैं कल बाजार से कुछ ना कुछ अपनी लाडली के लिए लेके जाऊंगा। सुबह सुबह उठते हैं, जैसे ही सुबह सुबह उठते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं, यमुना जी में स्नान करने के तत्पश्चात आज दर्शन के लिए नहीं जाते। वो सोचते हैं कि आज मैं सुबह दर्शन के लिए नहीं जाऊंगा, आज मैं शाम को दर्शन के लिए जाऊंगा, आज मैं अपनी कुटिया में बैठकर ही राधा रानी के नाम का गुणगान कर लेता हूँ, राधा रानी का दर्शन कर लेता हूँ। अपनी कुटिया में बैठकर राधा रानी के नाम का गुणगान करते हैं और उनका दर्शन करते हैं और उसके तत्पश्चात बाजार चले जाते हैं और बाजार से एक लहंगे चुन्नी, मतलब लहंगे की और चुनरिया का कपड़ा लेके आते हैं, साथ में गोटा पट्टी लेके आते हैं, पड़ोस के एक मकान से सिलाई मशीन लेते हैं और अपने हाथों से 80 वर्ष की आयु में राधा रानी के लिए एक सुंदर सी लहंगा चुन्नी तैयार कर देते हैं। लहंगा चोली तैयार करने के बाद उसमें सुंदर सी गोटी लगाते हैं और साथ ही के साथ मोती की कारीगरी करते हैं। ये करते करते शाम हो जाती है, तो कहते हैं कि अरे अरे अरे, शाम हो गई है, चलो मेरी लहंगा चुन्नी भी तैयार हो गई है। उस लहंगा चुन्नी की तह बनाते हैं और कहते हैं मन ही मन में, आज मैं अपनी लाडली को शाम के समय जब मेरी लाडली वस्त्र परिवर्तित करेगी, जब वस्त्र बदलेगी, तो मेरी लाडली इसमें दर्शन देगी। आज तो मेरी लाडली मेरे लाए हुए वस्त्रों को पहनेगी। ये माँ उनके मन में होता है और ये सोचते हुए वो लाडली के अर्थात राधा रानी के मंदिर पे चल पड़ते हैं। जब वो राधा रानी के मंदिर पे चलते हैं तो सीढ़ियां जैसे ही प्रारंभ होती हैं चलते हुए, एक छोटी सी बच्ची उनको मिलती है। वो छोटी सी बच्ची कहती है, अरे बाबा, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हो, क्या हुआ? तो वो बाबा कहते हैं, आज मेरा हृदय बहुत ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि आज प्रथम बार 80 साल में प्रथम बार मैंने अपनी लाडली के लिए कोई पोशाक बनाई है। आज मैं अपनी लाडली को इस पोशाक में देखूंगा, आज पहली बार मैं उसे कुछ दूंगा। वो लड़की कहती है, छोटी सी बालिका होती है, वो कहती है कि बाबा, तनिक हमें भी तो पोशाक दिखाओ कि तुमने कैसी पोशाक बनाई है। बाबा उस पोशाक को खोलते हैं, उस लाली को दिखाते हैं। वो लाली कहती है, अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत पोशाक है, ये तो बहुत सुंदर पोशाक बनाई है, और राधा रानी के पास तो इससे भी अच्छी अच्छी पोशाक है, आप ये पोशाक मुझे दे दीजिए। बाबा कहते हैं कि लाली, कल मैं तेरे को दोबारा से नई पोशाक बना के दे दूंगा, कल मैं बाजार जाऊंगा, दोबारा से कपड़ा लेके आऊंगा, तेरे लिए नई पोशाक बना दूंगा, लेकिन आज तो ये पोशाक मैं अपनी राधा रानी को ही दूंगा, अपनी लाडो को ही दूंगा। लाली भी जिद पर जाती है, नहीं नहीं बाबा, तुझे आज ये पोशाक मुझे ही देनी होगी। बाबा भी जिद पर जाते हैं, अरे मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं आपके लिए कल लेके आ जाऊंगा। अब लाली क्या करती है, बाबा के हाथ से वो पोशाक छीनती है और भाग जाती है।
अब बाबा तो ठहरे 80 वर्ष के, वो लाली के पीछे भाग नहीं पाते। वो कहते हैं कि अरे अरे ले गई ले गई ले गई, मेरी पोशाक ले गई, और सीढ़ी पर बैठ के ही रुदन करना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात सीढ़ी पर बैठकर ही रोने लग जाते हैं। और मन में सोचते हैं कि मैंने कितने प्यार से ये पोशाक बनाई थी, ये भी ये लाली लेके चली गई। इतना जब वो रुदन कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तो कुछ साधु संत सीढ़ी से चढ़ के राधा रानी के सांझ के दर्शन करने के लिए जा रहे होते हैं। जब कुछ साधु संत सांझ के दर्शन करने के लिए जा रहे होते हैं तो बाबा से पूछते हैं, अरे बाबा क्यों रो रहे हो? तो बाबा अपना पूरा किस्सा सुनाते हैं कि मैंने एक पोशाक बनाई थी, एक लाली आई बरसाने की, वो मुझसे पोशाक छीन के ले गई। साधु संत उसे समझाते हैं, चलो कोई नहीं, कल तुम नई पोशाक बना के लिए आना और अपने लाडली को वो पोशाक बना देना, अभी चल के दर्शन तो कर लो, नहीं तो दर्शन बंद हो जाएंगे। अब बाबा बेमन से उदास होकर चल लेते हैं, लेकिन हर सीढ़ी पर पग रखते हैं तो यही सोचते हैं, शायद लाडली के मन में ही नहीं थी मेरे कपड़े पहनने की, शायद राधा रानी चाहती ही नहीं थी कि वो मेरे द्वारा लाए हुए वस्त्र पहने, शायद लाडली की यही इच्छा थी। बस यही सोचते सोचते ऊपर चले जाते हैं, अर्थात राधा रानी का जो महल है ना, वो थोड़ा ऊंचाई पर है, और महल में पहुंचने के तत्पश्चात भी गर्दन नीचे करके बस यही सोच रहे होते हैं कि आज अगर मैं पोशाक लेके आता तो मेरी लाडो मेरी बनाई हुई पोशाक पहनती, कितना आनंद आता आज उसको देखते हुए। तभी दर्शन के पट खुल जाते हैं और सभी साधु संत जोर से जयकारा लगाते हैं, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। सभी साधु संत जयकारा लगाते हैं और बाबा से कहते हैं, अरे बाबा देखो आज राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है, कितने अच्छे पोशाक पहने हैं, आई है नजर ना लग जाए, इतनी सुंदर आज राधा रानी लग रही है। बाबा बेमन से अपना सिर ऊंचा उठाते हैं और जैसे ही वो राधा रानी को देखते हैं, बाबा उछल जाते हैं 80 साल की आयु में भी, और कहते हैं, लाडली लाडो मेरी राधा रानी तो से इतना भी सबर नहीं हुआ कि मेरे को मंदिर तक तो आने देती, लाडली ने बाबा के लाए हुए पोशाक ही पहन रखी थी। बाबा लाडली से बोलते हैं कि बच्चा मेरी लाडो राधा रानी, आपको इतना भी सबर नहीं हुआ, कम से कम मंदिर तक तो मुझे आने देती, मंदिर तक मैं पोशाक लेके आ रहा था, आपने रास्ते में ही मुझसे छीन ली। तब राधा रानी स्वतः ही बोलती हैं कि आपके भाव इतने ज्यादा थे कि मैं आपके भाव देखकर व्याकुल हो गई और मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने एक लाली का, एक बालिका का, एक बच्ची का रूप बनाया और आपके हाथ से ये पोशाक छीन ली, क्योंकि हमेशा हमेशा भगवान भक्त के भाव के भूखे होते हैं। भगवान तो खुद ही, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप श्री धाम वृंदावन में बाके बिहारी जी के मंदिर में जाइए, राधा रानी सरकार के मंदिर में जाइए, राधा वल्लभ जाइए, राधा माधव जाइए, राधा दामोदर जाइए, भगवान तो खड़े हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए। लेकिन क्या होता है, भगवान भी कहते हैं हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो, कभी जाकर उनसे नैन तो मिलाने की कोशिश कीजिए, कभी जाकर उनसे बात करने की कोशिश तो कीजिए, कभी जाकर उनसे पूछने की कोशिश तो कीजिए कि आप कैसे हो, आज का दिन कैसा गया आपका। खैर, कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।